जो लोग खीर बनाते हैं उनके पितृ उनसे रूठ जाते। पितृ पक्ष में यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पितृलोक जाते हैं। जो पितरों के देवता हैं बसु इत्यादि उनको नमन करते हैं। बसु इत्यादि को जब यमराज नमन करते हैं तो बसु इत्यादि उनका स्वागत करते हैं। पितृलोक में आपका स्वागत है धर्मराज, कहो आप कैसे पधारे। तो यमराज कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। बोले क्या? हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं, आप अपने इन पितरों को जो पितृगण पितृलोक में रहते हैं सभी लोगों के, उनसे ये प्रार्थना कर दीजिए कि ये खीर ना खाया करें, स्पेशली भैंस के दूध की खीर ना खाया करें। क्यों? बोले इसलिए मेरी सवारी है भैंसा। यमराज की सवारी क्या है? सब लोगों को लाने का काम भगवान यमराज जब करते हैं तो किस पे लेके जाते हैं, और वो पितृ बन जाते हैं। भैंसा कहता है हम ही तो इनको ढोते हैं और ये हमारी माँ के दूध को ये पितरों को खिलाते पिलाते, ये बात अच्छी है? यमराज महाराज से शिकायत करी, बोले प्रभु ये ठीक नहीं, इनको मना करो, मेरी माँ के दूध का इन दिनों में स्वीकार न करें, खीर स्वीकार न करें। तो महाराज ये भैंसा हमारी जो सवारी है चाहता है कि आप इनकी माँ का दूध इन दिनों में प्रयोग में न लाएं। तो वसु इत्यादि ने ये बात सभी पितरों से कही और कहा भैंस के दूध की जो खीर है उसे आप स्वीकार न करें। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। अब यहां पर समझ लीजिए, गऊ के दूध की खीर स्वीकार्य है पर भैंस के दूध की खीर स्वीकार्य? अब आप सोच रहे होंगे अमेरिका में तो भैंस है ही नहीं, ना के बराबर है, सोच रहे होंगे यहाँ की गाय भी किसी भैंस से कम नहीं है। Am I right or wrong? तो हम तो यही कहेंगे कि खीर बनाओ ही नहीं, गाय के दूध की बना सकते, लेकिन यहाँ की गाय तो आप जानते ही, यू नो, वो तो सियावर रामचंद्र की। तो ऐसी गाय खीर ना बनाएं, क्या बना दें? घर में ही कोई मिठाई बनाए और बाजार से मिठाई लाकर ना खिलाएं। इन पितृ पक्ष में ये बात का ध्यान रखें।